है चाचा का घर। अब तुम्हारी आगे की पढ़ाई यहीं पूरी होगी। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा, आओ बैठो। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते जी नमस्ते, ठीक हो सब? हाँ चाचा जी सब बढ़िया। कैसे आना भैया? चाचा जी आपको तो सब पता ही है, पापा जी के जाने के बाद हम दोनों भाई बहन कितने अकेले से हो गए, और मैं भी ऑफिस के काम से बहुत बिजी रहता हूँ। हितांश का घर पे अकेले का मन भी नहीं लगता, तो मैंने सोचा कुछ दिन हितांश यहाँ पे रह लेगी, अपनी पढ़ाई भी कर लेगी और गांव गली भी घूम लेगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे लेके आ गया हितांश को। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा, तुमने बहुत ठीक करा। तुम्हारे पापा तो हमारे बड़े भाई जैसे थे। जब तक हितांश का मन कर, जब तक यहाँ तो रहे, उसका अपना घर है, तुम्हारा अपना घर है, ठीक, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनेगी। चाचा जी मेरा बड़ा मन है गांव में बाग देखने का, खेत देखने का, शहर में तो मेरा दम सा घुटने लगा है। ठीक है बेटा, आप अंदर जाओ, खाना ना खाओ। ठीक है चाचा जी। ठीक है बेटा, लो खाना लो आप। अच्छा तो चाचा जी मैं भी चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे, अरे तुम आराम से खाना वाना खा के जब आराम से जाना। चाचा जी वो सब तो ठीक है, पर मेरा ड्यूटी का काम है मुझे। कोई बात नहीं, ड्यूटी कल ड्यूटी हो जाएगी, आराम से खाना वाना खा के जब जाना। कोई बात नहीं चाचा जी, मैं बीच बीच में आता रहूँगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो जैसे आपकी इच्छा बेटा। ठीक है, नमस्ते बेटा। नमस्ते। मम्मी देख लो पिताजी को, उन पे मेरी पढ़ाई के खर्चे तो उठता ना, इसे और रख ली घर में। अरे तू काहे को चिंता कर रही है, जब यहाँ रहेगी तो काम भी करेगी, और पढ़ाई का खर्चा तो अपने घर से ले आओगी, हम थोड़ी देंगे उसकी फीस। काम करेगी, चाय बनवाइए जरा उससे। ले तन्ने बड़ा फिकर करा हितांशी। अरे बाहर को आइए बेटा। हां जी चाची जी आई। जी चाची जी, बेटी दो कप चाय बना ली। चाची जी मुझे चाय बनानी नहीं आती। सुन ली महारानी की, इस पे चाय बनानी ना आती। वो मैंने आज तक कभी बनाई नहीं ना, इसलिए। लेकिन कोई नहीं, आप बोलो तो मैं कोशिश कर सकती हूँ। हाँ सीख ले, बना चल। जी चाची जी, मैं अभी बना के लाई। ठीक है जा। मम्मी मम्मी एक बार आना जरा। क्या बात है बेटी? देखना हितांशी ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, गांव में ऐसे कपड़े पहनते हैं, इसे तमीज है भी या नहीं? हाँ बेटी क्या, तो तू ठीक रही है बेटी, ऐसे कपड़े मत पैर रख रहे हैं, यहाँ शहर ना गांव है, गांव कैसे पैर रख। चाची मेरे पे तो सारे ऐसे ही कपड़े हैं, और मैं बचपन से ही ऐसे कपड़े पहनती हूँ। मम्मी ये तो कॉलेज जाती नहीं, और मुझे कॉलेज जाना पड़ता है, तो आप ये कपड़े ना मुझे दिलवा दो। ठीक कह रही बेटी तू, हितांशी तू दे दे इसे अपने कपड़े। हाँ हाँ मम्मी कोई बात नहीं, मैं दे दूंगी। और तुम मुझसे ये ऐसे ही बोल देती, मैं दे देती, आखिर तुम मेरी बहन हो। चल ठीक है, तू झाड़ू तो लग गई, इसे धर और निकम्मा आ गया होगा, उसकी रोटी दिया। ठीक है। देखो मम्मी जी आपने कितना फैशन दिखाती है लड़की। अरे तू फैशन वैशन छोड़ दे और अपना पढ़ाई पे ध्यान दे ले, मेरे पैसे लग रहे हैं पढ़ाई में, नुई ना पढ़ाई हो रही है, कुछ बन के दिखा दे मुझे। ठीक है मम्मी। आर्यन आर्यन उठो खाना खा लो। फोन है तू? वो तो क्या कम थी कि तू और आ गई क्या सर में दर्द करने को? खाना खा लो, खाना खा लो, ले जा इस खाने को, जब मुझे भूखो की खा लूंगा। शायद मैंने शहर से यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है, यहाँ तो कोई मेरी इज्जत नहीं करता है, सब मुझे डांटते रहते हैं। एक तुम ही थे जिसे मैंने सही समझा था, लेकिन अब
अब तो तुम भी मुझसे ऐसे बात करने लगे। ठीक है, मत खाओ। अच्छा सुन, ला खाना। मैं खिला दूं? तेरे कहने से खाना खा रहा हूँ, ठीक है कम है, अब सर पे बैठेगी क्या मेरे? मैं खिला दूं। बस एक टुकड़ा खिला दूं। चल ठीक है, खिला दे। सब्जी कैसी बनी है? ठीक है। मैंने बनाई थी। हाँ हाँ चल ठीक है, जा। ठीक है, कुछ चाहिए होगा तो आवाज मार देना। रवो गंदे से के कर आया? क्या करता देख नहीं रहा, क्या कर रहा? हां भाई रेत पना ले आ गए, न्यार भी है यहां। पहले न्यार तो लिया खेत में थे। हां फिर न्यार भी मैं लाऊंगा, मेरे बस की ना न्यार बैर लाना। अब को ले आओ जाके, मैं तो यूं काम कर रहा हूं, यूं ही बहुत है। हां भाई हमें तो लेना पड़ेगा, तू वहां ले आवेगा। भाई मैं ना कॉलेज के लिए लेट हो गई, तो मुझे छोड़ देगा के? हाँ यू ही काम है मुझे तो, अभी तो वे सर में दर्द करके गए हैं और अब तू भी आ गई। बस 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 ज्यादा भाव तो खाए मत ना, छोड़ना है छोड़ दे वरना मना कर दे। हाँ नौकर लग रहा हूँ मैं तो थारा सबका, तो मैं छोड़ के आऊंगा, जा चली जा। जा चली जाऊंगी मैं, तेरे से कुछ कह रही निकट फिर। और हाँ सुन, क्या कुआ बड़े बड़े भी रही है तू, नहीं पढ़ रही? अपनी तरह मान रहा क्या मुझे? अपनी तरह मान रहा के तू? मेरा दिमाग खराब मत कर। ये जो फैशन करके तू वहां जा रही है ना, सब पता मुझे, हल्के में ले रही दिखे मुझे, काट दूंगा काट, और जो कुछ सुन भी लिया। बस बस ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, चल चली जा। आर्यन मुझे जरा फॉर्म लेने के लिए शहर तक जाना था, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अरे आज ही जाओगे के सारे कहीं ना कहीं, मुझे काम करन दोगे नहीं करन दोगे? ठीक है तुम गुस्सा मत करो, मैं खुद चली जाऊंगी। रुक, चल ठीक है चल रहा हूँ, लेकिन एक बात सुन ले, आज जा रहा हूँ, आज के बाद कहना दियो। अरे वैसे मैं जाता नहीं किसी के साथ, नहीं कोई बात नहीं चलूंगा। अच्छा ठीक है, आज तो चल लो। चल अरे यार क्यों धुमा ठारा, परे वो कर लेना ऐसे। अरे भांग की वीडियो पूरा मजा 100 रुपए तोला है। भांग की वीडियो मजा? और अपना मुंह तो देख ले, काला ब्याह पड़ा है, कोई ब्याह भी ना करने का। भांग की वीडियो बिरा भी सही। ब्याह तो तुम मेरा करवा ही दोगे, क्या दिक्कत है? ब्याह ब्यागू तो हमारे बन्नो ना बैठी, अभी तेरा तो जब होएगा। पता नहीं कैसी कैसी बात करे यार। ओबे ओए देख आर्यन क्या सामान लेके जा रहा है यार, वहीं पर रुक देंगे। अरे रुक तो जा। और आर्यन कहाँ घूम रहा है, और यो कौन है? अरे तुम्हें क्या मतलब, कोई भी हो रास्ता को रोक रहा मेरा, चल हट पर आगो। अरे हट भी जाएंगे हमारी हायर तो करवा दे, हट पर आगो। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसको धक्का देने की? भाई आजा बताऊंगा कैसे हुई हिम्मत। अबे यू क्या करा तुमने,
सर फाड़ दिया, भाग। आर्यन, आर्यन क्या हो गया तुम्हें आर्यन? अरे कुछ ना हुआ मेरे, इतना चिल्लाने की जरूरत ना, ऐसी चोट तो मेरे रोज लगे। तो तुम्हारा मतलब तुम रोज ही ऐसे पिटते हो? अरे ना ना, रोज ना पिटता, रोज तो पिटू मैं, आज तो तेरे चक्कर में पिट गया मैं। चलो चलो खड़े हो, नाटक मत करो अब, उठो जल्दी। हाँ चल मम्मी बैठ जा। और बाइक चुपचाप डॉक्टर के पास ले चली। अरे मुझे जरूरत ना डॉक्टर वॉक्टर की। चुप, बोला ना डॉक्टर के पास चलो। चल भाई तू कह रही है तो चल देंगे। आराम से। मम्मी उस आर्यन को देख लो, मैंने यूं कही मुझे कॉलेज छोड़िया, मुझे तो उसने मना कर दी, उस हिदांशी को लेके सड़कों पे फिर रहा दांत दिखाता हुआ। अरे तुझे पता तो है उसके दिमाग की, उसे कितना ही समझा लूं ऐसा ही है। हाँ तुम उसे क्यों कहोगी, बस मुझे ही कहो। भाई मैं तेन बालकों से दुखी हो जा, उसे कहूं तो वो गुस्सा हो जा, उसे कहूं तो वो गुस्सा हो जा, बड़ा जन्म दुखी। अरे कहीं ना फुड़वाया, लड़ाई होगी थी। अरे किससे लड़ाई होगी तेरी, और क्यों होगी, क्यों लड़ा तू? अरे होगी लड़ाई, अब कोई सामने तो आकर लड़ेगा, वे छोड़ दूं आगे मैं। बेमतलब टक्कर मारी सामने वाले ने, तन्ने कुछ ना कही उसे? हाँ वैसी मार दी टक्कर। तुझे और कुछ काम ना है, हैं? तन्ने तो मारा करते जन्म दुखी, नालायक करके खाना बस कितने रहे है ना, लड़ाई करता फिर, और बता रहा ना किससे लड़ाई हुई है। ओ आली बस जिससे होनी थी। हितांशी तू बता किसकी क्या लड़ाई? चाची जी वो पता नहीं चाची जी कहाँ लगवा ली। तू घना बड़ा धारा सिंह मत बना, आराम से रह ले, हमें भी रह लें दे, मान जा तू क्यों हमारे जन्म दुखी कर रहा। हितांशी जा खाना तू भी खा ले, हरिशन वाला को भी खवा दे। ठीक है जी। तन कितना खून निकला है, फुड़वा के खोपड़ा पर बैठ गया मेरी जड़ मां के। रेसा हल्दी का दूध भी दे दिए। ठीक है चाची जी। क्या कर रही है तू यहाँ? फोन दे। कुछ नहीं कर रही भाई मैं। अच्छा ये करने जा रही है तू कॉलेज में हैं? चल चल। क्या बात होगी? बात क्या होती, इससे पूछो क्या बात हुई, किससे फोन पे आई लव यू के मैसेज भेज रही है, कॉल पे बात कर रही है मेरे सामने। अच्छा मम्मी यहाँ खड़ा था गेट में, सारी बात सुनी है इसकी, यूं ना जा रही कहीं कॉलेज पॉलेज, इसी काम पे लग गई। तो तू टेंशन ना ले, इसका आना जाना बंद,
कहीं नहीं भेजू सा, घर में बैठ के पढ़ जा, मेरा मुंह के देख रहे खड़ी खड़ी। लड़का देख इसकी नहीं हो और फेरे घेर का करो भी ना इसको। हाँ ऐसे ही करना पड़ेगा मम्मी, ऐसा ना चले काम। और तू किल से ना ज्यादा पपीता धरा हो सा काट के खा ले, इतना खून गया सिर में से। कोई ना आऊ मैं अभी खा लूंगा। कौन है सुने है भगवान? हाँ क्या बात है? बात के देख अभी लड़की का रिजल्ट है लोगी वहाँ। वो तो मुझे पता थी उसका पढ़ने में ध्यान ना, वो कहीं और ही चल रही है। उसको अच्छा सा लड़का देखो और उसके फेरे फेर दो। हाँ है वहाँ बुलाओ से। यहाँ हम भी देखे कैसे फेल हुई। मैं को या और रखो ये बाहर को। मम्मी देख ले अपना रिजल्ट फेल आई है, लगवा दी ना मेरे सारे पैसे इनमें नुई आग तन्ना। मम्मी मैंने तो बहुत मेहनत से पढ़ाई करी थी, अब मैं फेल हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती? तो पहले पता थी तेरा पढ़ने में ध्यान है ही ना, तू तो ध्यान का ही और लगा बैठी है। अब मुझे सारी पता चल रही है तेरी। अब बोली पढ़ाई वढ़ाई सब घर का काम सिखा दे, बन लिया डिप्टी। पिताजी कैसी बात कर रहे हैं आप, अभी तो मैं पढ़ूंगी। मैं कैसी बात कर रहा, बोली पढ़ाई बढ़ाई घर का काम सीख लिया। अब क्या हो गया पिताजी, कैसा रुका मचा रखा है? क्या रुका, देखियो फैल आई, ले देख ले कारनाम में। मैं तो पहले ही पता था तू फैल ही आवेगी। तेरा मत मारा क्यों मार रहे उसको? मारू ना इसे और इसकी आरती उतारू। ऐसा क्या कर दिया इसने? फेल हो गई। फेल हो गई तो क्या हो गया, पहाड़ थोड़ी टूट गया। मैं पढ़ाऊं तुझे और मैं भी देखती हूँ तू कैसे फेल होती है। चला अंदर चल। यह एक नई चोदरन आई भाई हमारे घर में, पता नहीं कहाँ से लाए तंबीज है, इसकी भी राड़ काटो। मेरे दोस्त की छोरी है वाह, तुझे क्या दिक्कत है? अच्छा दोस्त की छोरी है तो क्या हमारे सर पे बैठेगी क्या? तुझे क्या दिक्कत हो रही? हाँ मुझे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, मेरी सुन ले तो ताश तो नौबती नहीं आती। अरे तो तुम बाप पर बेटा क्यों लड़ रहे हो? हाँ नहीं लड़ूंगा। अरे बेटी पढ़ा रही है ऐसा? हाँ चाची जी आप देख लेना, इस बार ही फर्स्ट आई हूँ। वो दीदी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कितना गलत समझती थी, मैंने तुमसे कितनी लड़ाई की, प्लीज। अरे तो क्या हो गया, तू छोटी बहन है मेरी और छोटे तो गलती करते ही हैं। कोई बात नहीं चला पढ़ाई पे फोकस कर। मितांशी बेटा मैं ठीक कह रही है, हमने तेरा बहुत दिल दुखाया और काम भी सारा करवाया, आज तूने इसे पढ़ा के साबित कर दिया कि तू अच्छे परिवार से है। अरे चाची आप ये कैसी बातें कर रही हो, आखिर ये मेरा घर है ना, मैं इसको अपना ही तो घर मानती हूँ। चल ठीक है तू इसे पढ़ा, मैं थार दोनों को चाय बना के ला रही हूँ। अरे नहीं नहीं चाची मैं बना लाती हूँ। अरे नहीं तूने बहुत काम करा, आज मैं सारा काम करूँगी, तुम दोनों पढ़ाई पे ध्यान दो ठीक है? ठीक है। दीदी आप जा रहे हो ना मेरा मन भी नहीं लगेगा, प्लीज मत जाओ। कोई बात नहीं महक मैं दोबारा आ जाऊंगी। ठीक कह रही है महक, जी भी ना लगा तेरे भी घर मारा। अरे चाची ये मेरा ही तो घर है, मैं कभी भी आ जाऊंगी, आप टेंशन मत लो और आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। चल ठीक है ध्यान से जाइए। ठीक है चाची जी अब मैं जाती हूँ। चल रहे छोड़िए ऐसे छोरी को मन लो। और आर्यन अरे तू हर वक्त सोता ही रहे, ये करूं और सोना दो इसे। हितांशी को छोड़ का नौकरी ले रखी है क्या मैंने इसकी?
चली जाएगी आपको, सारा घर मेरे ही पीछा पड़ा रहे, सोने भी ना देते दो मिनट। कदी तेरी नींद खराब हो जा। हाँ नींद तो खराब हो ही गई मेरी। यू ना छोड़ का है, मैं तेरे चाचा से कहूंगी, वो छोड़ का होगा। नहीं नहीं चाची, कोई बात नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे खुद को संभालना अच्छे से आता है। हाँ चली जाएगी आपको, हम मगा इसके पीछा पड़ रही, सुन दो मुझे। चाची जी मैं निकलती हूँ, नमस्ते। नमस्ते, ध्यान रखिए अपना है। जी चाची आप भी। क्या पता की तेरा शर्म लिहाज है कि ना है ना लायक, तेरे से वो छोरी कितना प्यार कर रही है, इतना चाह वही तुझे, और तू उसे छोड़ने तलक नहीं गया। प्यार? अरे प्यार तो मम्मी तू ही ना करती मेरे से, वाह क्या करेगी। तुझे पता भाई, तेरे में अगर जरा सी भी गैरेज बची रही ना तो जाके उसे रोक ले, वरना चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। किसे समझा रही तू? देखो पड़ गया फिर। निकम्मा है तो इसके नाते किसी टाइम नींद पूरी। अब क्या करने आए हो यहाँ? करने का आता, सॉरी बोलने आया हूँ तुझसे। सॉरी क्यों? चला घर चल। मुझे नहीं जाना। अरे यार घर चल ले, मुझे मम्मी ने बताया अभी अभी कि तू बहुत प्यार कर रहा है मेरे से। अच्छा मम्मी ने बताया तब समझ आया, इतने दिन से तुम्हें दिख नहीं रहा था। अरे मैंने कभी प्यार व्यार ना करा, तुम्हें समझने की जरूरत ही ना पड़ी। इफ समझ आई तुम आ गया। मैं नहीं जा रही कहीं घर पर, जाओ तुम, मैं कोई प्यार व्यार नहीं करती तुमसे। देख भाई रूठना मनाना भी ना आता मेरे पे, सीधी तरह चल अब ठाक ले चलू। तेरी यही तो अदा पसंद है मुझे। हाँ हाँ चला एब। चल ले भाई इसे भी ठा लू, आ जा। तू एक काम कर, मेरे को एक कप चाय बना दे। अरे एहसान से क्या बात है, हमने रोकी जब तक तो रुकी ना, और अब आर्यन के कहने से तू आ गई घर को। वो चाची जी वो कोई बात नहीं, मुझे सब पता है तेरे तेरे भैया को बुला के और सारे दोनों के रिश्ते की बात करती हो। ठीक है अब तो तुम नहीं भाभी होंगे। इत तो ठीक है, इत तो सो जाऊं मम्मी। हाँ सो जा, तन्ना का मेरे कर ले, सो। क्या मेरी झूम चल रहा, ऐसा ही हाल रहा है तो बिजली का बिल भी जमा ना कर पाऊंगी मैं तो इसमें। तांसी, अरे यहाँ ये बेटा। आई मम्मी। हाँ जी मम्मी बोलिए। ले बेटा तू इसमें देख ले थोड़ा सा हिसाब किताब, और कोई कस्टमर आवे तो हैंडल कर लिए, मैं मंदिर जा रही हूँ, थोड़ी सी पूजा वजा सी करिए। ठीक है मम्मी। ठीक है ले। और बैठ जा यहीं, कदी पर जिंग तिंग चली जा। अरे हाँ हाँ मम्मी कहीं नहीं जाऊंगी। और ठीक हो? हाँ जी मैं ठीक हूँ। वो मैं आपके जो धर्मशाला है ना इसे बुक करने के लिए आया हूँ। हाँ तो कर लो बुक। अच्छा तो इसका वो जब बता दो क्या है। मात्र 11,000 रुपये। 11,000 रुपये
अच्छा मैडम, बहुत अच्छी लग रही है आपके साथ। थैंक यू। वैसे मैडम, मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। अच्छा जी, क्या लाए हो? अभी रुको। कुरमुरे। ओहो, कुरमुरे मेरे लिए? के लिए लेके आया हूँ। थैंक यू, थैंक यू। मैडम, आप मुझे बहुत प्यारी लगती हो, इसलिए तो मैं आपके लिए कुरमुरे लेके आया हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है, मैं तो सबको ही प्यारी लगती हूँ। मैडम खाओ, वैसे आपके यहाँ पे ना मेरा टाइम कट जाता है। बस बस, अब सुन, कुरमुरे में ना अब बस इतना टाइम मिलेगा, चलो अब यहाँ से निकल। अरे मैडम, गुस्सा क्यों हो रही हो, तुम खाओ तो, मुश्किल से लाया हूँ मैं। अरे हाँ हाँ, मैं खा लूंगी, तू चल निकल यहाँ से। कुरमुरे खा रही तू? मम्मी, ये मेरे लिए कुरमुरे लाया, इसकी खुद से कल कुरमुरे जैसी है, खड़ा ले आज से। रात के बाद बड़ बजी मुझे भी इस बार मैंने समझा दी, किसी की चीज नहीं लगता है। मम्मी, वो खुद लाया था, मैंने थोड़ी मंगाई थी। और तू खाने लग गई? अरे मुंह पे मार दी इसके पैकेट ही हो। मम्मी, वेस्ट करना अच्छा नहीं होता। बड़ी पागल हो गया अभी, खा लो। खा ले तो, एक मार दूंगी दो गुत्थी में। ध्यान से रहे, हमेशा ही सुनाती रहती है मुझे, मेरी गलती हो ना हो। वैसे कुरमुरे तो अच्छे हैं मम्मी, खाओगे मम्मी? नमस्ते। नमस्ते, बैठ तो जाओ, सांस तो ले लो। एक दिन के लिए बुक करना है मैडम। अच्छा, बुक करना है? बस मात्र 11,000 का है। लो मैडम, बिस्कुट खाओ। ये छोटे पैकेट मिला तुझे? दुकान पे मिला आज मैं। अब ना चल, जल्दी निकल लेते यहाँ से। इतना छोटा पैकेट लाया बिस्कुट का, थोड़ा बड़ा लाता। चल कोई नहीं, खा के देखू कैसा है। तू क्यों खा रही बैठी हो? मम्मी, ये मेरे लिए बिस्किट लाया। अरे मुंडी से कल के देखे पड़ी सी, किसने कहे मेरी छोटी को बिस्किट लाया? और तू भी किसी की चीज लेकर खा ले, कम से कम इसकी शक्ल सूरत तो देख लेती। मम्मी, बिस्किट तो है, और काला हो गोरा हो क्या फर्क पड़ता है? चल चुप हो जा, ऐसी हो रही जैसे तुझे खाने को ना मिलता हो कुछ। मम्मी आप खा के देखो। मारोगे बहुत, पकड़ के देख ले। मम्मी चाय के साथ? अंदर से किसी की चीज ली तन्ना। बैठो तो। ना मैंने बैठ, चल मैं चाय बना लाओ। चाय तो बना लाओ। यार, इस लोकेशन पे एक फिल्म शूट हो जाए सोनाटेक कंपनी के लिए, तो फिल्म हिट हो सकती है। ये फ्रेमिंग देखो, ये वाह वाह, क्या बात, ओए ओए, क्या व्यू है। अरे यही तो लोकेशन चाहिए थी मुझे, मैं कब से इस लोकेशन के चक्कर में था यार। नेस्टिक आजा। लेकिन यार इसका मालिक ना नजर आ रहा है, अरे इसके मालिक को ढूंढता हूँ यार। अरे तो मैडम बैठी है। वेरी गुड वेरी गुड। मैडम जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए बैठिए। कैसे हो मैडम जी? मैं बढ़िया, आप बताइए कैसे आना हुआ? मैं फर्स्ट क्लास। पर चल क्या हुआ, मैं यहाँ से गुजर रहा था,
मैंने लोकेशन देखी आपके मैरिज होम की, तो मैं इस मैरिज होम को 15 दिन के लिए हायर करना चाहता हूँ। क्या 15 दिन? 15 दिन के लिए? जी मैडम। आज तक जितने भी कस्टमर आए सबने बस 1 दिन के लिए किया, और आप 15 दिन? ऐसा क्या करोगे? क्या है ना मैडम, आपने एक्चुअली मेरे को पहचाना नहीं। मैं मुंबई से आया हूँ और मुंबई में मैं बहुत बड़ा डायरेक्टर हूँ। मैंने रजनीकांत की, अक्षय कुमार की, और यहाँ तक कि सन्नी देओल की जो गदर मूवी आई है ना, उसमें मैंने ही डायरेक्शन किया। मैं चाहता हूँ आपके मैरिज होम में एक फिल्म शूट हो। आप डायरेक्टर हो, वो भी मुंबई से? एक मिनट मैडम, एक ऐसे हाथ ऐसे रखना। मैडम अगर आप मेरी फिल्म में काम कर लो ना, तो ये समझो कि मैं थिएटर के अंदर फिल्मों को दिखा दिखा कर तो आग लगा सकता हूँ। सच में मैडम, पर्दे फट जाएंगे, पर्दे। डायरेक्टर साहब, पर्दे फट जाएंगे तो लोग फिल्म कहाँ से देखेंगे? मैडम एक्चुअली आप मेरे डायलॉग पे मत जाइए, मेरी फीलिंग देखो। फीलिंग पर जाओ, फीलिंग पर जाओ। हाँ हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ। मैडम कोल्ड ड्रिंक पियोगे आप? या व्हाई नॉट। नो ओके, एज योर विश। ओके, आप फ्रेमिंग चेक कर। पांक पिया पी पी मम्मी, ये बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, वो भी मुंबई से। अच्छा। और ये हमारा मैरिज होम बुक करने आए हैं, वो भी कितने दिन के लिए? 15 दिन के लिए। 15 दिन? पांक फिर तो बहुत अच्छा। हाँ बेटा ठीक है, दे देगा 15 दिन के लिए। क्या जा बैठे आंटी जी, 15 दिन के पता कितने पैसे बैठेंगे? अब वो मैंने मैडम से बात कर लिए। मैंने बता दिया मम्मी, 11,000 रुपए 1 दिन का। पहले पैसे लूंगी। आए मैडम जी, हमारा क्या होता है ना, हमारा एक रूल है। वो क्या होता है ना आंटी जी, ये जो मुंबई की जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, उसका एक रूल होता है। हम मैरिज होम आपका 15 दिन के लिए ले तो लेंगे, लेकिन आपकी जो पेमेंट होगी उसको हम 3 महीने बाद देंगे। अच्छा, 3 महीने बाद? डायरेक्टर वेरी गुड आंटी जी, वेरी गुड। मम्मी मम्मी सुनो बैठो, तो किसकी चीज बना लगे सुनो तुम। वेरी वेरी गुड। वे छोरी का मैं कुछ कर नहीं सकती। मम्मी मैं मांगती थोड़ी हूँ, खुद लाते हैं। अरे उनके ठाके मुंह पे मार रहे हैं जो लावे। नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, गलत बात है। भर ले, तू तो 150 हो रही है भरने की। आप भी ले लो। कौन? मत लो। डायरेक्टर बढ़िया हो ना हो, कोल्ड ड्रिंक तो बढ़िया है, बड़ा मजा आ रहा है साथ खाने में। वाह ब्यूटीफुल, आज आया है सही कस्टमर। हाय। हेलो। आई एम आर्यन। आर्यन
हाय पंक हाय 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 वो एक्चुअली मैं मैरिज होम बुक करने आया था। अरे हाँ हाँ जी बिल्कुल, पूरा आपका ही है। हाँ हाँ वो शादी थी ना। शादी? हे भगवान, एक स्मार्ट लड़का दिखा उसकी भी। वैसे किसकी शादी है? अरे वो मेरी बहन की शादी थी। ओ नाइस नाइस, आइए आइए आइए। आइए आइए बैठिए बैठिए। मम्मी मम्मी जल्दी आओ। आर्यन क्या बात है बेटी? मम्मी ये आर्यन है, ये मैरिज हॉल बुक करने आए हैं। ठीक है बना रहा है, बहुत अच्छी बात है। किसकी शादी बेटा? वो ना मेरी बहन की शादी है, तो इसलिए मैं मैरिज हॉल बुक करने आया था। ठीक है बेटा, कौन सी तारीख है? भाभी ये परसों की है। परसों की है, चलो खाली है ना बेटा परसों की? था हाँ मम्मी खाली है, बिल्कुल खाली है। ठीक है बेटा, 11,000 कोई बात नहीं, मैं आपको दूंगा 12,000 रुपए। आप ये लो एडवांस। बेटा परसों का मैरिज होम तुम्हारा पक्का। ठीक है आंटी जी, अब मैं चलता हूँ, मुझे जरा शॉपिंग करनी है। शॉपिंग? शॉपिंग तो मैं आपको एक नंबर करा सकती हूँ। हाँ बेटा हाँ, ठीक कह रही है, बहुत नॉलेज है सामान दिखाने की, दिखा देगी तुम साथ। हाँ हाँ ठीक है आंटी जी, तुम कहती हो तो मैं ले जाता हूँ, तो फिर चले। हाँ हाँ ठीक है जी। पैसे वाला है लड़का, अच्छा। अरे उन काले पेलन से तो ठीक ही है, मैरिज होम अपना है ही, और ब्याह भी ना हो रहा है इस लड़के का। अपना तारीख पक्की करवा लूंगी पंडित जी से, पटपट ब्याह करवा दूंगी अपनी डांसी की।